हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्यम सोशल पे आप सभी को स्वागत करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डुंगर मनी कंस्ट्रक्शन का पार्ट 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेटिंग और शटरिंग चल रहा है और इसी के साथ लंच का प्रोवाइड भी किया है हमारे अबू लोग ने। तो मैडम संगलम हो गया और अबू डोम और संगला और श्री मंजू और अबू तहसील लामू सभी ने आज दिन का लंच प्रोवाइड किया। तो शाम होते होते हम लोग ने यहाँ से सीढ़ी वगैरह भी बना दिया है। अभी देख सकते हैं ऊपर जो छत में जो सबसे नीचे जो रहता बिछाते हैं तो ये रहता भी बिछा दिया है लेकिन अच्छी तरह से नहीं बिछाया है। तो ये है अभी देखिए इसमें बहुत बढ़िया से यहाँ पर लेवल मिला के रहता को बिछा दिया है। अभी इसको ऊपर से लोहा डालना है तो लोहा भी यहाँ से आपका 10 mm और 12 mm डालना है। तो गाइस आप देख सकते हैं सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहा है और आगे देखिए आप लोहा किस प्रकार से डालते हैं। तो ये लेवल बहुत ही सुंदर से मिलाया है यहाँ पर। तो यह रहता है इसका ऊपर से फिर प्लास्टिक डालना होता है। तो इन लोग देखिए अभी रहता मिला रहा है और यहाँ पर अगर पत्थर वगैरह है तो उसको बाहर फेंकते हैं। तो उसी के चलते देखिए अभी यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह भी सब कुछ बिछा दिया है बहुत सुंदर तरीक़ा से। अब रह गया है यहाँ से लोहा डालने का। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर एक हमारे बुद्धिस्ट का है हमारे गुम्पा का नियम से यहाँ पर कुछ डिज़ाइन होगा तो इसे हम लोग ने अभी छोड़ दिया है। हो जा कोट मैंने हो जा बारिश हो रहे है बारिश बारिश हो रहा है फिर भी अभी पान के होने वाला है सब लोग पहन रहा है। यार मोर मार हलम दिमा है बुकू मार हलम दिमा है मोर त्यों त्यों दोनों त्यों ट्रेनिंग रिंग जो भी बस छटले बारिश हो रहा है छत ले करने वाला लोग रुकने का नाम ही नहीं ले। हमारा छत डाले हो गया है लेकिन बारिश ने काफ़ी डिस्टर्ब किया। अभी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से हमने छत को ढक के रखा है क्योंकि काफ़ी बारिश हो रहा है। देखिए तो ये हमारा डुंगर मनी का भी फर्स्ट फ्लोर जो डाल के हो गया है। तो जितने भी आज कर सेवा में आया है हमारे बस्ती से और बाहर से सभी को थैंक यू सो मच। फिर यहाँ से बाकी आपका कैसे डालना है इसलिए लोहा निकल के रखा है। तो ये हमारा कुछ डिज़ाइन होता है बुद्धिस्ट का तो वही डिज़ाइन यहाँ से देगा इसलिए
ये वाला हिस्सा जो अभी ढलाई नहीं हुआ है, बाकी ये दो तीन चार रूम जो हो गया है